नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कलंत्री है। पेशे से मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और आज के वीडियो में डेंचर की सही तरीके से सफाई कैसे की जाती है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगी कि कुदरत ने हमें दांतों के दो सेट वरदान में दिए हैं, एक जो हमारे बचपन में आता है और एक जो हमें जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं 11-12 साल की उम्र तक आ जाता है। तीसरा सेट जो हमने खुद बनाया है वो होता है ये डेंचर। तो ये डेंचर हमारे लिए एक एसेट है जिसकी सफाई का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। तो सफाई में सबसे कुछ बेसिक दो तीन तरीके होते हैं जो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले सिंपल से एक तरीके पर हम प्रकाश डालेंगे। नॉर्मली डेंचर हम एडवाइस करते हैं कि खाना खाते वक्त डेंचर पहने और हर भोजन के बाद, हर मील के बाद आप अपने डेंचर को साफ रखें ताकि जो खाना है वो गलती से भी अंदर की सतह पर चिपका हुआ न रह जाए। तो मेरी ये आप सभी से राय है कि जब भी आपका भोजन हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले अपने डेंचर को उतारे और रनिंग वाटर यानी नल के पानी में डेंचर को अच्छे से साफ कर ले। अगर उपलब्ध है तो डेंचर क्लीनिंग ब्रशेस आते हैं जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो जब आप डेंचर को साफ करते हो तो अंदर की सतह पर ये जो छोटा वाला एंड है आप इससे इस प्रकार से अपने डेंचर को इजीली साफ कर सकते हैं। और जो दांत वाला हिस्सा है उसको साफ करने के लिए आप ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे डेंचर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और डेंचर क्लीन करने के लिए नॉर्मल वाटर की जगह आप सोप वाटर यानी कि कोई भी डिटर्जेंट को पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी डेंचर की सफाई और बेटर तरीके से हो सकती है। एक बार अगर आपने सोप वाटर से डेंचर साफ किया तो दोबारा से उसे नल के नीचे बहते पानी में धोएं, फिर उसके बाद ही आप दोबारा से इसका इस्तेमाल करें अपने भोजन या अन्य क्रियाओं के लिए। दूसरा तरीका यह होता है कि डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे कंपनियों की डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये पाउडर भी हो सकती है या टैबलेट्स भी हो सकती है। तो यह जो तरीका है ये आपको, आप अगर और प्रिसाइजली और ध्यान से अपने डेंचर की सफाई करना चाहे तो आप ये डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स की मदद से कर सकते हैं। ये आपको हफ्ते में एक बार करना चाहिए ताकि आपके डेंचर एकदम सही सलामत रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक कोई भी बर्तन लेना होगा, उसके अंदर आप अपना डेंचर इस प्रकार डालेंगे और साथ ही एक टैबलेट डालेंगे और इसको हम पानी में, जब तक हमारा डेंचर अच्छे से डूब जाए पानी में तब तक हमें इसको पानी में भिगो कर रखना है। अब कितने देर भिगो कर रखें ये हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है जो कि पैकेट पर या उस टैबलेट पर लिखा होता है क्लियरली। अब इस कंपनी जिसका मैंने प्रयोग किया है ये कलर चेंजिंग है, तो ये जब तक ग्रीन से ब्लू की तरफ होगा तब तक मुझे इस डेंचर को इस पानी में सोक करके रखना है यानी कि भिगो कर रखना है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कहती है कि रात भर आप भिगो कर रखें और अगले दिन पहने। तो जैसे भी आपको कंपनी निर्देश देती है उस हिसाब से आप डेंचर को इस तरह के एक कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नॉर्मली ऐसे भिगो कर रखें। जब ये कंपनी निर्देशानुसार जो टाइम दिया गया है वो पूरा हो जाए उसके बाद आप अपने डेंचर को इसमें से निकालें, फिर एक बार बहते पानी में इसको फिर से धोएं और धोने के पश्चात एक बार किसी भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े से, नैपकिन से इसे क्लीन कर ले और उसके बाद ही इसे दोबारा इस्तेमाल करें। ये क्लीनिंग का सर्वोत्तम तरीका है जो कि ऑन एन एवरेज हफ्ते में एक बार करें तो बेहतर होगा। और रेगुलर क्लीनिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रेगुलर क्लीनिंग के लिए हर एक भोजन के बाद, हर एक छोटे मोटे मील के बाद भी आपको डेंचर निकाल के क्लीन करके नल के पानी के नीचे धोकर या फिर सोप वाटर से धोकर इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके डेंचर की लाइफ बढ़ेगी, दूसरा मुंह में या डेंचर के नीचे फंसे हुए खाने के वजह से जो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है वो भी नहीं के बराबर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर ये जो है, ये जो मैंने आपको जो सामग्रियां बताई है, ब्रश है या ये क्लीनिंग टैबलेट है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली कई सारे ब्रांड्स की बहुत ही बेसिक से कॉस्ट में अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा।
विश यू अ वेरी स्माइली डे। मेरे गुरु कहते हैं आप मुस्कुराते हैं, आपका भाग्य मुस्कुराता है, तो डेंटल साफ रखिए और हमेशा मुस्कुराइए। थैंक यू।